वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के लेकर आते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, एक ही क्लास में तीन क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पर मैं ट्रिपल स्टार लगाऊँ, समझ जाना ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट कोड है, जिनके पास भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनके पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होगा आपका BPAC 133। सब्जेक्ट कोड का जो पेपर है ये सबसे पहले मैंने लेटेस्ट पेपर उठाया आपका दिसंबर 2022 का पेपर। दिसंबर 2022 के पेपर से हम शुरू करने वाले हैं। इसका नाम क्या है, केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली, यानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझना है कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे प्रशासन चलता है, कौन कौन से संस्थान होते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं जो केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली को महत्व देती हैं। 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है नॉर्मल सा, और 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं। डन दोस्तों, देखिए 5 प्रश्न आपको करने हैं, हर प्रश्न आपका 400 नंबर का, 400 शब्दों में आपको अटेम्प्ट करना है, ये बात आपको याद रखनी है। पार्ट 1 में देखते हैं पहला क्वेश्चन, गुप्त शासन की अगर बात करें तो गुप्त शासन ने किया क्या था, प्रशासन की एक संगठित और विस्तृत प्रणाली विकसित की व्याख्या कीजिए। आपको पता है आज के समय में जो हमने चीजें अपना रखी है, हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है, और प्रशासनिक प्रणाली में सबसे बड़ा रोल अगर किसी डायनेस्टी का रहा है तो गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त प्रणाली का सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि गुप्त शासन में सबसे अच्छा प्रशासन हुआ करता था। तो आपसे यही यहाँ पर पूछा गया कि गुप्त नो जो गुप्त शासन था उसकी जो प्रशासन की एक संगठित और विस्तृत प्रणाली थी वो कैसे उन्होंने विकसित की, तो गुप्त काल के बारे में बताना है आपको कि गुप्त काल में कैसी थी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, फिर स्थानीय प्रशासन में ग्रामीण प्रशासन, पूरा शक्ति का विकेंद्रीकरण गुप्त साम्राज्य में भी था, आज के समय में भी है। तो आप कह सकते हैं कि आज के समय की शासन प्रणाली और गुप्त काल की शासन प्रणाली काफी हद तक क्या एक दूसरे के सिमिलर है, समान है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका नागरिक समाज, नागरिक समाज की अवधारणा, नागरिक समाज होता क्या है और इसकी भूमिका क्या है, इसका आपको परीक्षण करना है। 10 नंबर में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना है, 10 नंबर में आपको इसकी भूमिका बता देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक समाज पे बार बार क्वेश्चन आता है। जो प्रशासनिक अधिकरणों के गुण होते हैं और अवगुण होते हैं, आपको पता ही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, वही आपको बता देना है कि जो प्रशासनिक संस्थान होते हैं उनके क्या गुण और अवगुण होते हैं, ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। पहला पेपर है तो हम रिपीटेड क्वेश्चन का अंदाजा यहाँ पर मुश्किल लगा पाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप इस क्वेश्चन को डालेंगे, नीति आयोग है ना, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, या आप इसे कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं NITI, नीति आयोग इसे हम कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ये वाली बात आपको याद रखना, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा प्रशासन में अगर किसी संस्थान का सबसे बड़ा रोल है तो वो इसी का ही है। क्लियर दोस्तों। अगली अगर बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है किसी देश के प्रशासन में, इसकी भूमिका आपको 10 नंबर में बतानी है और इसके कार्य आपको 10 नंबर में बताने हैं। 200 वर्ड्स आपको यहाँ भूमिका पर लिखने हैं और 200 वर्ड्स ही आपको इसके कार्यों पर लिखने हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना, केवल एक ही कोर्ट है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और हर राज्य का जो अपना पर्सनल कोर्ट होता है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो आपने सुने ही होंगे, ये हमारे यहाँ की न्यायिक संरचना है। 1947 के बाद भारतीय प्रशासन में निरंतरता और परिवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको पता है 1947 से लेके अब चल रहा है आपका 2023 और आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की, तो काफ़ी आपकी ईयर्स बीत चुके हैं, इतना लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, तो भारतीय प्रशासन में बहुत से चेंजेस आए हैं। पहले और अब के प्रशासन को हम देखें तो बहुत ज़्यादा तकनीकी एडमिनिस्ट्रेशन अब हो गया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, देश का प्रशासन चलाया जाता है, तो उसी की व्याख्या यहाँ आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सचिवालय, जो आपका सेंट्रल सेक्रेटरियल होता है, उसकी संगठनात्मक संरचना आपको बतानी है, उसकी भूमिका आपको बतानी है, उसके कार्य आपको बताने हैं। ऐसा मान के चलिए 5 नंबर में संरचना, 5 नंबर में भूमिका, और 10 नंबर में आपको सेंट्रल सेक्रेटरियल जो होता है, केंद्रीय सचिवालय जो आपका होता है, उसकी भूमिका कार्य आपको बता देने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं 2 क्वेश्चन पेपर और आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहाँ ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेगा।
उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम का है वो है आपका भारत की जो विनियामक आयोग है उस पर टिप्पणी करनी है। विनियामक आयोग वो होता है जो आपके क्या करता है, नियमों की संरचना करता है। तो विनियामक आयोग के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक संक्षेप से टिप्पणी कर देनी है। और ये क्वेश्चन आपका एक रीडेबल क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। तो उम्मीद है ये दिसंबर 2022 का पेपर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2021 के पेपर पर बात करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। रिपीटेड क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे और रिपीटेड क्वेश्चन को ही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम बेहतर तरीके से अपना दे पाए। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से साल का क्वेश्चन पेपर है, तो आप कहेंगे सर ये उसी बीपीएससी 133 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, केंद्रीय प्रशासन की बात करें, दिसंबर 2021 का ये पेपर है। और दिसंबर 2021 का ये पेपर 3 घंटे का है, 100 नंबर का पेपर है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 400 शब्दों में हर क्वेश्चन आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें न्यायिक सक्रियता, एक अच्छा खासा टॉपिक होता है आपका क्या, न्यायिक सक्रियता एक अच्छा खासा टॉपिक आपका होता है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, इन दोनों पे 10-10 नंबर का एक नोट तैयार आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। न्यायिक सक्रियता, जब सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो जनता के हित में ना हो, तो ऐसे समय पर क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो सरकार के फैसलों में दखल देने लग जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। दूसरी तरफ जनता की भलाई के लिए कोई याचिका अगर डाली जाती है, जनता की भलाई के लिए कोई एप्लीकेशन जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डाली जाती है, उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। जन यानी जनता, हित यानी भलाई, और याचिका का मतलब होता है अपील या प्रार्थना। तो जनहित याचिका जिसे आप पिटिशन भी कहते हैं ना, पिटिशन आपने सुना होगा, उसे हम कहते हैं जनहित याचिका। तो एक क्वेश्चन यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये एक संस्थान है, भारतीय केंद्रीय प्रशासन का एक हिस्सा है ना, भारतीय दूरसंचार विभाग भी हम इसे कहते हैं, और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, ये दो संस्थान है, इनकी भूमिका आपसे पूछी गई है। 10 नंबर में इस संस्थान के बारे में बताना है आपको और 10 नंबर में इस संस्थान के बारे में आपको बता देना है। कैबिनेट सचिवालय, देखिए कैबिनेट सचिवालय, फिर आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कैबिनेट सचिवालय का फिर संगठन पूछा गया, फिर कार्य, 10 नंबर में आपके कैबिनेट सचिवालय के बारे में पूछा गया और 10 नंबर में इसके कार्य आपसे पूछे गए हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो। ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संसद की भूमिका बताइए, पार्लियामेंट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे केवल रीड करके जाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि संसद के केंद्रीय स्तर पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर क्या करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को चलाते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली पास हो सकते हैं 4 क्वेश्चन को करके। भारतीय संविधान में आपको पता है एक तो एकात्मक शासन दिया हुआ है और एक संघीय शासन दिया हुआ है ना, तो संविधान की एकात्मक और संघीय विशेषता आपको बतानी है। एकात्मक विशेषता वो होती है जो ये प्रूफ करे कि भारत की शक्ति का केंद्र कितने है, केवल एक। और संघीय विशेषता संविधान की ये होती है, जैसे बहुत सारी इसमें क्या दी हुई है, सूचियाँ दी हुई हैं जो ये दिखाएं कि भारत में शक्ति के स्रोत क्या हैं, अनेक हैं, अनेक हिस्सों में हमारी शक्ति बटी हुई है, ऐसी विशेषताओं को संविधान की संघात्मक विशेषता कहते हैं। तो 10 नंबर में आपसे पूछी गई है एकात्मक और 10 नंबर में आपसे पूछी गई है दोस्तों कौन सी, संघात्मक विशेषताएं। ये आप संविधान की रफली भी पढ़ लेंगे तो भी आपके पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। भारत का जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंशियल कमीशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे लगाइए आप 3-स्टार। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। पिछली बार आपसे किसके इस प्रशासन के बारे में पूछा गया था, गुप्त प्रशासन के बारे में पूछा गया था, अब आपसे मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा गया है कि कैसे वो संगठित थे, कैसे उनकी विस्तृत प्रणाली थी, इस पर टिप्पणी करनी है। ये एक रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप ऐसा कह सकते हैं, ये पैटर्न रिपीट होगा आपसे किसी भी एक पुराने राजवंश का क्या पूछा जाएगा, प्रशासन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो गुप्त का पूछा जाए चाहे मौर्य का, ऐसा एक बेस का क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कार्यालय का वर्णन कीजिए। जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है आपका, है ना, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस जो आपका होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल्स जो होते हैं, उसका आपको वर्णन करना है 10 नंबर में, और मंत्रिमंडल का भी अवलोकन करना है कि मंत्रिमंडल में आपको पता है 3 प्रकार के मंत्री होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री, इससे मिलकर हमारा मंत्रिमंडल बनता है, और मंत्रिमंडल को हम नॉर्मल भाषा में मंत्री परिषद भी कहते हैं, मंत्री परिषद, इसे हम मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हम कह देते हैं। क्लियर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पर रिपीटेड थे। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन पेपर की और उसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आपका होगा, जून 2022 का पेपर ये आपका होने वाला है, बिल्कुल सही आपने देखा।
और अभी हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, फिर इन्हीं क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहचान पाए। तो ये तो आपने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका कब का है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। नाम आपको पता है, केंद्रीय स्तर पर सीख रहे हैं प्रशासनिक प्रणाली, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 घंटे में हम इस पेपर को देंगे और कोड जरूर अपना आप मैच करके रखना। कोड अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। कोड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हुई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 400 शब्दों में हर क्वेश्चन को आप करेंगे। सचिवालय, देखिए सचिवालय पे फिर क्वेश्चन आ गया। सचिवालय पर क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पर आप लगाएंगे ट्रिपल स्टार। सचिवालय पर क्या करनी है, सचिवालय और कार्यकारिणी, यानी कि सचिवालय और कार्यपालिका, आप ये कह सकते हैं। एक तो सेक्रेटरियल होता है आपका और एक कार्यपालिका होती है, इनके बीच में आपको संबंध बताने, रिलेशन आपको बताने, दोनों के बीच में रफली क्वेश्चन है। लेकिन सचिवालय के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भारतीय संसद पर टिप्पणी, रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार, देखिए। और जैसे अभी आपसे क्या पूछा गया था, गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछ लिया, मौर्य के बारे में पूछ लिया, इस बार किसके बारे में पूछा है, मुगलों का प्रशासन पूछा है। इन तीनों में से एक का क्या होगा, इसे कहते हैं फिक्स्ड पैटर्न का सवाल। ये जो सवाल है ये कैसा सवाल है, ये फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है। ऐसा सवाल क्या होता है, बार बार एग्जाम में आता है, बस चेंज क्या होगा, ये कभी मुगल है तो कभी यहाँ पर क्या लिखा होगा, गुप्त लिखा होगा, कभी यहाँ पर लिखा होगा मौर्य। प्रशासनिक सुधार आयोग जो आपका होता है ना, आप इसे कह सकते हैं, ऐसा कमीशन जो क्या करता है, प्रशासन में सुधार लेकर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लेकर आता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। जनरल क्वेश्चन है, रिपीटेड कम है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पे मैंने क्या कर दिया, आपके लिए ट्रिपल स्टार पहले ही लगा दिया है। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो यहाँ पर आपसे 2 प्राधिकरण के बारे में पूछा गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है ना, FCCI जिसे हम कहते हैं, और एक पेंशन निधि वाला लोग, भाई पेंशन निधि वाला जो विनियामक और विकास प्राधिकरण है ये तो रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, इस पे लगाओ ट्रिपल स्टार। जो पेंशन निधि पीएफ वाली जो हमारे यहाँ क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं पीएफ अथॉरिटी जो होती है हमारी, है ना, प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी जो होती है, उसको लेकर क्वेश्चन रिपीट है। दिसंबर 2022 में भी है, जून 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रशासनिक अधिकरण की अवधारणा, लो भाई प्रशासनिक अधिकरण के गुण अवगुण पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपको फिर रिपीट दिखाई देगा। और नागरिक समाज की अवधारणा, नागरिक समाज की भूमिका, नागरिक समाज की चुनौतियां, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है, इस पर भी आप देंगे ट्रिपल स्टार। देखिए दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बनते इग्नू में, ना इग्नू में बहुत सारा आपको पढ़ना होता नॉर्मली, आपको करना क्या होता है, केवल उन क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आते हैं ना दोस्तों, केवल वही सोल्व करने होते हैं हमें। अब आप देख पा रहे हैं कि नागरिक समाज का जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा है एग्जाम में। अब अगर नागरिक समाज का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भारतीय संघवाद की विशेषता वाला क्वेश्चन अभी था ना, जहाँ पे आपसे पूछा गया था संविधान की कुछ संघात्मक विशेषताएं बताओ, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा क्या कर रखा है, बस चीजों को घुमा रखा है, वरना ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में हमारा आता है। तैयारी करने का तरीका केवल यही होता है कि लास्ट 3 ईयर्स के, या फिर आप कह सकते हैं सेशन के, लास्ट तीन सेशन के क्वेश्चन पेपर को बस आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व पेपर क्या कर लीजिए आप ले लीजिए, या आप इसकी PDF हमारे चैनल से परचेज कर लीजिए, सॉल्व PDF, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। PDF परचेज कैसे कर सकते हैं, WhatsApp ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।